بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. तो हमारी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक. वैसे तो ये वीडियो कल इंशाल्लाह हो सकता है कि, लेकिन फिर भी आज जुमा है तो सोचा कि बोल दो जुमा मुबारक. चलते हैं जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं. आज हरम में नहीं जा पाया, आँख नहीं खुल पाई, फिर सोचा इधर ही पढ़ लेते हैं. फिर ड्यूटी है 3 बजे से, 2 वाली गाड़ी निकल जाएंगे. रूम की साइड पे मस्जिद है, माशाल्लाह नई मस्जिद बनी हुई है, तो जुमा की नमाज़ यहीं पढ़ लेते हैं. आज और चलते हैं जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, देखते हैं कि मौसम कैसा है. मौसम बहुत गर्मी बहुत है. चलो इंशाल्लाह. देख रहे हो पीछे खाली खाली रूम, कोई है नहीं, सब ड्यूटी पे है, सबकी मॉर्निंग ड्यूटी है ना. देख रहे हो पूरा खाली एरिया है. चलो चलते हैं जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, टाइम हो रही है, 12 बज गया. ये धूप देख रहे हो, लोग जा रहे हैं नमाज़ के लिए, देख रहे हो पब्लिक जा रही है नमाज़ के लिए. ये सामने मस्जिद है, जो टंकी रखी हुई है ना वाइट वाली, वही नई मस्जिद बनी हुई जुमा की. ये जब से बनी है मेरे दूसरी मरतबा जुमा की नमाज इसमें है. धूप लगती है जैसे सऊदी, धूप पता है कैसी है. यही मस्जिद है नई वाली, देख करनी पड़ी है माशाल्लाह. यहाँ से वहाँ तक देखते हैं छत पे नमाज के लिए मिलेगी जगह, उम्मीद तो है. नीचे फूल हो गई होगी, हाँ नीचे फूल हो गई. छत पे चलते हैं, छत पे, इधर से छत पे जाने का रास्ता है सामने, देख रहे हो ना. जुमा की नमाज के बाद है, देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद बनी है. अभी नहीं बनी है, 3-4-5 महीने हुआ है. देखो लाइटिंग, ये कारपेट, माशाल्लाह देख रहे हो, बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह. अभी नहीं बनी हुई है तख्त. अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई जुमा की, तो अपने अपने रूम पे जा रहे हैं. जैसे जुमा की नमाज पढ़ के आया, हमको लगता है कि आधा घंटा हुआ था, यानी कि 1:30 बज गया था, 1:30 140 हो गया था. और अब चलते हैं, 2 बजे 2:15 गाड़ी है, ड्यूटी पे चलते हैं. उतने मैनेजर कॉल आ गई, अबू कलाम किधर? मैं बोला आज हरम में नहीं आ पाया, सो कर लेट उठा, तो नमाज जो है यहीं पर रूम वाली मस्जिद पढ़ाऊँ. बोलता है कोई बात नहीं, आज आप जो है छुट्टी कर लो. बोला ऐसे क्यों? बोलता है क्योंकि अभी कल की सुबह में 6 बजे ड्यूटी है. तो जो बड़ा मुदीर है FM डायरेक्टर, जो उसने बोला कि अमर कलाम को बोलना कि आज छुट्टी कर ले. तो पिछले हफ्ता जैसे देखे थे अपना, जुमा के दिन ड्यूटी किया था, रात को आया 12:30 बजे, सही है. उसके बाद सोया 1:30 या 2 बजे तकरीबन, फिर सुबह 5 बजे उठ गया 2-2.5 घंटे बाद. तो ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल होता है ना, सब दर्द करता है, फिर नींद पूरी नहीं होती है. तो वो आज उसको ऐसा ध्यान था, इसीलिए भी काम भी उतना नहीं है. तो उसने बोला कि उसको बोलो कि छुट्टी कर लो. तो आज छुट्टी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है. अब इस वक्त अभी गाड़ी आने में 15 मिनट बचा हुआ है, चलते हैं हरम में इंशाल्लाह, ज़्यारत करते हैं. उसके बाद देखते हैं आज हरम की क्या रौनकें हैं. आज जुमा भी हो ऐसे माशाल्लाह, जुमा में देखो, जुमा में नहीं जा पाया अल्लाह ताला ने, देखो ना, इसीलिए आज जो है कि बहुत एहसास हुआ, देखा जुमा में नहीं पढ़ पाया. तो आज इसीलिए इंशाल्लाह अल्लाह चाहे असर की मगरिब की, सॉरी मगरिब की आयशा की नमाज़ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हरम में मिलेगी. फिर आएंगे 9 वाली गाड़ी से, सुबह में ड्यूटी है. चलो चलते हैं, गाड़ी आने का टाइम हो गया इंशाअल्लाह. फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह मस्जिद नबी में, अल्लाह तेरा शुक्र है माशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह आ गए मस्जिद नबी में, माशाअल्लाह हाजियों का झुंड. ये देखो आज जुमा भी है, तो लोकल हाजी भी है, जैसे सऊदी से, रिया से, दमाम से, कहाँ कहाँ से आते हैं वो. यहाँ पे जो काम करते हैं वो भी, उनकी छुट्टी होती है तो वो भी आ जाते हैं. आज जुमा इसको ज़्यादा ही भीड़ रहेगी, इससे पहले कि भीड़ हो जाए ज़्यादा कुछ, हम निकल जाते हैं अंदर नमाज के लिए. सामने जैनतुल बकी है, जो बाउंड्री लगी हुई है बंद है, अभी देख रहे हो ना, बंद कर दिए. मगरिब बात खोलेंगे, सामने गेट हल है ना बंद है. ये देखो हाजी लोग जा रहे हैं, अभी कुछ देर के बाद ये बंद कर देंगे, लेडीज़ को वहाँ जाने देंगे.
अभी खोले हैं ये, ज़्यादा बिजी होते हैं क्योंकि लेडीज़ पीछे होती है ना, इसीलिए यहाँ से बंद करते हैं आगे की साइड से, लेडीज़ को यहाँ से जाना दे। चलते हैं पहले ज़्यारत ही कर लें, फिर बाद फिर चलते हैं मस्जिद के अंदर। देखा ग्रुप है ये, हम कहते हैं उज़्बेकिस्तान, ये जमजम ट्रैवल उज़्बेकिस्तान के, यहाँ पे जाते हैं नमाज के लिए। ये देखो लाइट, चलते हैं हम भी सलाम पेश करके आते हैं, फिर यहीं से निकल जाएंगे अंदर नमाज अंदर ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये देखो यहाँ से आ रहे हैं सलाम पेश करके हाजी लोग, देखो आ रहे हैं ना सामने से, ये सामने सूरज एकदम सामने है, ये हम भी ज़्यादा कराते हैं। इधर देखो सफाई चल रहा है, ये इंडोनेशिया के सामने ग्रुप सब खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं किसके, ये सामने गुम्बद की। ये देखो माशाल्लाह, लाइन से सफाई चल रही है ना आगे ना पीछे, मशीन है सफाई करने वाली, लाइन से चल रही है। देखो ना बिगड़े तो हटा रहे हैं, तो नमाज के टाइम भी होने वाले इसीलिए हटा रहे हैं। आज फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि एक मतलब फिर ज़्यारत करने के नसीब हुआ, चलते फिर ज़्यारत कराते हैं। छतरी बंद हो रही है, देख रहे हो ना, ये देखो सामने, क्या अभी धूप जा रही है, छतरी बंद कर रहे हैं, ये देखो सामने छतरियाँ। चलो भाई चलते हैं, तो ही बंद कर देंगे गेट, फिर मगरिब के बाद ज़्यारत करने को मिलेगा। पब्लिक देखो बस, सिर्फ पब्लिक, ये तो सिर्फ आगे साइड का, पीछे साइड पर देखेंगे तो और माशाल्लाह, छतरी बंद हो रही है, देख रहे कितना अच्छा लग रहा है। ये बंद होगी कंप्लीट होने वाली है, ये कंप्लीट हो गई, थोड़ा सा और बचे, हो गई कंप्लीट। अभी देखो यहाँ से पार्टीशन लगा दिए, बंद कर दिए, अभी दूसरी साइड से जा रहे हैं। ये देखो उस दिन रात को 11 बजे इतना खाली था, अभी देख रहे हो, पहले यहाँ पे नमाज पढ़ाई जाती थी इमाम की जगह थी, अभी होगी इरादा जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यारत होगी, चलते मस्जिद के अंदर। बस आ गए अपनी पुरानी जगह पे, यहाँ पे अंदर बैठते हैं ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आ गए, अभी से देख रहे हैं पूरी फुल हो गई है, चलते अपनी पुरानी जगह पे, देखते हैं जगह खाली है कि वो भी फुल हो गई है।
उम्मीद है कि खाली ही रहेगी, क्यों मगरिब की अजान होने में कुछ वक्त बचा है अभी ना, लेकिन पीछे देखो पीछे साइड पे खाली है पूरी। ये जो अंदर छतरी होती है ना वहीं भी ज़्यादा मैं बैठता हूँ, अंदर भी जो छतरी से बाहर छतरी बनी है ना वैसे अंदर भी दो साइड पे दो दो चार दो छः, एक साइड पे छः एक साइड पे चार या छः, ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह खाली है, जगह खाली है। छतरी के नीचे चलें, ये देखो सामने भी छतरी एक इधर साइड पे है और एक ये इधर इस साइड पे छतरी अंदर में, यही मेरी पुरानी जगह जो छतरी है ना सामने, इधर ही बैठते हैं बस, आगे तो जगह फूल है। ये सामने रोज़े रसूल भी है। मगरिब की नमाज के बाद देखो माशाल्लाह मगरिब की बस अजान होने वाली है, दो से चार मिनट बचा है, देख रहे हो नमाजी लोग कैसे बैठे हैं। ये लाइन लगी है रियादुल जन्नत में नमाज के लिए, चलते अब होटल में खाना खाते हैं। आगे अपने होटल में जहाँ पे ड्यूटी करते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि फिर 8 बजे का फ्री बंद हो जाएगी, खाना खा के फिर चलते हैं ऐशा की नमाज इंशाल्लाह, फिर हराम पढ़ेंगे, फिर नौ वाले गाड़ी से निकल जाएंगे। देखें तो माशाल्लाह कितनी भीड़ थी, तो तब 4-5 दिन हो भी गया था हराम है, इवनिंग ड्यूटी है ना, इवनिंग ड्यूटी पता ही है, शाम की ड्यूटी है, दिन में सुबह में रात को जाते हैं तो सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं ड्यूटी आ जाते हैं, किसी छुट्टी वाले दिन या तो फिर शाम, कल सुबह 6 बजे ड्यूटी, कल फिर इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा हराम में जाने के लिए इंशाल्लाह। चलो चलते हैं खाना खा लेते हैं, भूख लगी है, क्या कर सकते हैं कि नहीं। अभी आ गए रूम पे 9 वाली गाड़ी से, सही है, सुबह 6 बजे ड्यूटी से 9 बजे आ गया हूँ। यहीं पे वीडियो को मुकम्मल करते हैं, वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताना, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल चलते हैं देखते हैं सुबह में कौन सा ब्रेकफास्ट मेनू क्या है, ब्रेकफास्ट जैसा होगा आप लोगों तक शेयर करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर।